नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन शुरू कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री, उसको कंटिन्यू पढ़ना। तो पहला टॉपिक अपना है गुप्त काल में कला साहित्य व स्थापत्य का विकास। इसी से जुड़ा हुआ आपका एक टॉपिक और है मुगल काल में कला साहित्य व स्थापत्य का विकास। तो दोनों टॉपिक को अपन सेपरेट करके पढ़ेंगे ताकि कोई चीज़ है वो मिक्स नहीं हो। तो आज अपन पढ़ने शुरू कर रहे हैं कि गुप्त काल में कला साहित्य और स्थापत्य का विकास, जिसमें अपन आज मंदिर तक पढ़ेंगे। फिर कल है उसमें अपन कला और जो आपका स्थापत्य का जो सिस्टम बच गया वो देखेंगे। तो देखिए गुप्त काल में हमें यहाँ पर शासकों के बारे में जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे टॉपिक सिर्फ लगा है कला साहित्य स्थापत्य का विकास, तो यहाँ से हमें सारी चीज़ें वो पढ़नी है, यानी शासकों की डिटेल हमें नहीं पढ़नी। तो सबसे पहले यदि बात करें तो गुप्त काल का संस्थापक कौन था, तो ये हमें जानकारी होनी जरूरी है कि गुप्त काल का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। फिर आगे चलकर देखिए गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम है वो वास्तविक संस्थापक रहा। इसके अलावा यदि अंतिम शासक की यदि बात करें तो अंतिम शासक है वो विष्णुगुप्त रहा। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी बता देता हूँ कि देखिए गुप्त काल से पहले जो कुषाण काल था वहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ या कला साहित्य स्थापत्य का जो विकास चला था ना, उनमें क्या सिस्टम था कि जितने भी मूर्तियाँ बनी उनमें नग्नता प्रदर्शित की गई, यानी कामुकता वगैरह के दृश्य वो दिखाए गए। लेकिन गुप्त काल में आ करके इन चीज़ों पर क्या लग गई थी, रोक लग गई थी, यानी मूर्तियाँ बनाई गई ना उनके ऊपर भी वस्त्रों का मतलब अंकन है वो किया गया। तो यहाँ जाकर गुप्त काल में जाकर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था और गुप्त काल में ही सबसे पहले मंदिर निर्माण की जो कला है उसका विकास हुआ था, वो आगे जाकर अपने इसी नोट्स में आ जाएगी। अब आगे चलकर देखिए इस काल का महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो महत्वपूर्ण शासक था समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जो बी ए स्मिथ ने कहा था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध है वो लड़े थे। आगे चलकर देखिए गुप्त काल को कला व साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग की संज्ञा के एम मुंशी ने दी थी। इसके अलावा अन्य विद्वानों ने भी गुप्त काल को कला साहित्य स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण युग की संज्ञा दी, जिनमें वी ए स्मिथ भी एक थे। लेकिन आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम किसने कहा था, तो के एम मुंशी ने गुप्त काल को कला साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग की संज्ञा दी। आगे चल करके मंदिर निर्माण की कला की शुरुआत सबसे पहले कब हुई, तो गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की कला की शुरुआत है वो हुई थी। अब देखिए पहला मंदिर है वो कौन सा बना था, तो पहले मंदिर की यदि बात करें तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, कौन सा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो पहला मंदिर माना जाता है, पहला मंदिर निर्माण कला का उदाहरण माना जाता है जो कि गुप्त काल में बना। ये कहाँ पर आपसे पूछ ले, तो झांसी उत्तर प्रदेश में। फिर देखिए गुप्तकालीन मंदिर है वो किस शैली में बने, तो देखिए मंदिर निर्माण की अलग अलग शैली होती है, जैसे द्रविड़ शैली हो गई, नागर शैली हो गई, वेसर शैली हो गई। तो गुप्त काल के जो अधिकांश मंदिर है वो नागर शैली में बने थे। मंदिर निर्माण की तीन ही शैलियाँ चली है, एक तो वेसर शैली, नागर शैली और तीसरी थी द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली अपने दक्षिण भारत में रही, लेकिन यहाँ गुप्तकालीन जो अधिकांश मंदिर है वो किस शैली में बने, तो नागर शैली में बने थे। गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर है वो पाषाण और ईंटों से निर्मित है, तो यानी गुप्त काल के जो मंदिर है वो पाषाण यानी पत्थर और ईंटों से बनाए गए हैं। इनमें भी आपसे पूछ ले कि गुप्तकालीन मंदिर है वो अधिकांश किस देवता को समर्पित है या किस देवता के बने हुए हैं, तो भगवान विष्णु के अधिकांश मंदिर है वो बने हुए हैं। इनमें भी आपसे पूछ ले कि गुप्त काल के अधिकांश मंदिर किस राज्य में बने हुए हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य में बने हुए हैं। यानी कई बार दिमाग में कुछ नहीं आया, तुक्का मारना हो तो आप मध्य प्रदेश कराना, क्योंकि अधिकांश मंदिर है वो मध्य प्रदेश राज्य में बने, बाकी पर्टिकुलर कोशिश करना याद रहे। और अधिकांश मंदिर किस देवता को समर्पित, तो विष्णु को। अब देखिए महत्वपूर्ण मंदिर अपन देख लेते हैं, यहाँ आपसे अंदर की डिटेल नहीं पूछेगा, ऊपर की जानकारी है वो पूछेगा, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट है, जनरल पेपर है। अब देखिए महत्वपूर्ण मंदिर तिगवा का जो विष्णु मंदिर है, इसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था और ये जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। भूमरा का शिव मंदिर है, ये संतना मध्य प्रदेश में पड़ता है। पिंपरिया का विष्णु मंदिर है, ये भी संतना मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला देखिए नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, ये अजयगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ, अजयगढ़ मध्य प्रदेश में। ये शिव पार्वती को समर्पित मंदिर है, जो नचना कुठार पार्वती का मंदिर है ये।
अगला देखिए सांची का विष्णु मंदिर है, ये कहाँ पर है? तो ये सांची का जो विष्णु मंदिर है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी सांची है वो मध्य प्रदेश में है। एरण का विष्णु मंदिर आपसे पूछ ले कहाँ है, तो एरण का विष्णु मंदिर है ये भी सागर जिला मध्य प्रदेश में, यदि आप यहाँ ऐड करना चाहें तो सागर जिला मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। नेक्स्ट है खुहे शिव मंदिर, तो ये पड़ता है नागौद मध्य प्रदेश में, नागौद मध्य प्रदेश में। अगला है उदयगिरी का विष्णु मंदिर, जो उदयगिरी का विष्णु मंदिर है इसे गुहा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भितरगांव का विष्णु मंदिर, ये भितरगांव का विष्णु मंदिर कहाँ पड़ता है? तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया था। ये पहला गुप्तकालीन मंदिर है और इसे पहला मंदिर निर्माण का उदाहरण है वो भी माना जाता है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर तो अपने दिमाग में सीधा आता है कि ये मतलब लक्ष्मण जी को समर्पित है, लेकिन ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ये ईंटों का बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में है ये। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, सिरपुर छत्तीसगढ़ में एक जगह है, वहां पर पड़ता है। इस मंदिर के बारे में अन्य जानकारी यदि अपन जाने तो यहां पर राम जानकी के मंदिर के भी प्रमाण मिलते हैं। और इसका निर्माण यदि बात करें तो इसका निर्माण हर्षगुप्त की एक महारानी थी वाष्टा, उसने करवाया था। अगला देखिए उतलेश्वर व कालेश्वर मंदिर, ये उतलेश्वर और कालेश्वर मंदिर है, ये सोलापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? सोलापुर महाराष्ट्र में। अब देखिए ये तो आज के थे नोट्स, आपको कैसी लगी ये क्लास मुझे बताना, कल फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे। और अपने टेस्ट सीरीज़ भी शुरू कर दी है अपन ने, डेमो टेस्ट मैंने दिया है, चलिए अपन करके देख लेते हैं। एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी जो एप्लीकेशन मोड है उसमें आपको 10% दिए हैं, वो आप करके देखना। और जो PDF मोड में टेस्ट है वो इस तरीके से डेमो है। अब देखिए वहाँ पर ये PDF है वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे आप एप्लीकेशन में, PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन एग्जाम के पास दिया जाएगा, उसका थोड़ा चार्ज रहेगा क्योंकि लगभग 1000-1200 के आसपास प्रश्न है वो इसके बन जाएंगे। और नोट्स की PDF है वो भी अवेलेबल रहेगी एग्जाम के पास, अभी क्योंकि टाइम लगेगा बढ़ते बढ़ते। यदि आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहें तो 51 रुपये का चार्ज आप खरीद सकते हैं। अब देखिए गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त या शकंदगुप्त? तो गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक की यदि बात करें तो मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक है वो कौन था? विष्णुगुप्त था। अगला देखिए गुप्त काल को किसने कला व साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी? भंडारकर, KM मुंशी, जायसवाल या रामशरण शर्मा? तो KM मुंशी ने दी थी गुप्त काल को कला व साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग की संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अजयगढ़ मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश? तो तिगवा का जो विष्णु मंदिर है ये पड़ता है जबलपुर मध्य प्रदेश में। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मंदिर समर्पित और स्थान। तो देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित, झांसी उत्तर प्रदेश में। नचना कुठार पार्वती शिव, अजयगढ़ MP। सिरपुर लक्ष्मण मंदिर विष्णु, छत्तीसगढ़। गुहा मंदिर शिव, उदयगिरी मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे वाला। उदयगिरी का जो गुहा मंदिर है ये ऊपर अभी मैंने नोट्स में बताया था, ये शिव को नहीं, ये विष्णु को समर्पित है। किसको है? विष्णु को समर्पित। ठीक है, तो ये आज की आपकी क्लास थी। ऐप का भी चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाओगे तो अपना एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज ये मिल जाएगी, TLP टेस्ट सीरीज, स्कूल व्याख्याता, प्रश्न प्रथम, प्रश्न पत्र, इतिहास, भारत और राजस्थान। शुल्क है इसका 100 रुपये, देखिए अभी 51 रुपये रखे गए हैं, पहले जो 100 स्टूडेंट खरीदेंगे उनके लिए फिर इसका शुल्क है वो 100 रुपये हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। वैधता इसकी एग्ज़ाम तक है वो रहेगी, एक बार ये एक्सपायरी डेट लिखी है, यदि एग्ज़ाम आगे होता है तो ये आगे बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन है वो लिखे गए हैं। फिर आप जैसे अंदर जाओगे तो ऐसे एक फाइल मिलेगी RPSC नाम से, फिर उसमें 4 फाइलें हैं, उन फाइलों के अंदर
ये इस तरीके से फाइलें हैं, टेस्ट कोर्स डिटेल वीडियो ये आज आ जाएगा, शेड्यूल प्लान डाला हुआ है, स्टूडेंट रिपोर्ट इसमें डाली हुई है, ओएमआर शीट दो डाली हुई है, क्योंकि जो पीडीएफ मोड में पेपर होंगे वो आप ओएमआर में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ओएमआर शीट बेस्ड टेस्ट, इसमें एक डेमो टेस्ट डाला हुआ है, ये आप डाउनलोड नहीं कर सकते, इसी में खोल के आप ओएमआर में पेपर कर सकते हैं। दूसरी सुविधा एप्लीकेशन मोड टेस्ट, यानी आप ओएमआर में नहीं कर सकते, ओएमआर नहीं है तो आप मतलब एप्लीकेशन मोड में भी पेपर है वो दे सकते हैं, तो ये सुविधा है, ये आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने को सब्सक्राइब भी करना।